इंदौर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में से चुने हुए एक गांव को बरसाना गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों को भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें प्राचीन संस्कृति, जैविक खेती और दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के ग्रामीणों में मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के जन जागरण का प्रसार कर एक ऐसा समाज तैयार किया जाएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और सिद्धांत प्रदर्शित हों। कार्यक्रम का आयोजन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर बालक कृष्ण, हर माँ यशोदा की थीम पर किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने बाल गोपालों और यशोदा माताओं का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस अनूठे कार्यक्रम में 5000 से अधिक बच्चे बाल गोपाल और इतनी ही माताएं माँ यशोदा के रूप में उपस्थित थीं। कार्यक्रम स्थल को भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाया गया था, जिससे पूरी जगह एक अलौकिक अनुभूति से भर गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण पर आधारित भजन गोविंदा आला रियाला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला भी प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रोताओं ने स्वर से स्वर मिलाकर पूरे कार्यक्रम को धर्ममय बना दिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध बांसुरी वादक बल्लू जी और मादबांस बैंड की प्रस्तुति ने भी कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य प्रमुख नेता तथा अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद थे। लेकिन और बड़ा हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, तो बकासुर अर्थात एक कोई व्यक्ति उसको मारने आ रहा है, बकासुर बन के आ रहा नकली भाषण, वो बकासुर को भी मार देता है। तो बकासुर के टाइम पर थोड़ा होश आ जाता है उनको, तो वो अपनी यशोदा माँ से पूछते कि ये यशोदा देखती कि बच्चे का बड़ा पुरुषार्थ थे, इसको मार दिया। और मार तो दिया, मारने के बाद कभी कोई झगड़ा हो जाता अपन कल्पना करो, छोटे बच्चे का अपना बच्चा पीट क्या या पिट जाए, दोनों में माँ को ही कष्ट होता है, माँ को ही आनंद होता है। तो वो जब मार दिया उसको, तो उन्होंने कहा तू भारत निकला है ये क्यों, बोले ये सब कंस के लोग। अब छोटे बच्चे के दिमाग में क्या आ गया कि कंस कोई दुश्मन है, वो माँ बचा रही, अगली बार ऐसा नहीं निकलना। ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर देना शुरू आ जाता है 8 साल की उम्र में, तो वो तो बड़ा भरोसार्थ बड़ा हो जाता है, तब तक कृष्ण और बड़े हो जाते हैं। तो वो ध्यान में आता है अच्छा इस, फिर उसको भी लड़के मार देते हैं। फिर माँ कहती है यशोदा के तुम भाग निकला, तेरे को बुलाना बच जाएगा, तो क्यों, ये सब कंस के लोग। अब फिर उसके दिमाग में आ गया कंस कोई मेरा दुश्मन, अब छोटे बच्चे के दिमाग में आ गया कंस कोई दुश्मन है, बार बार मेरे को मारने भेज रहा है, फिर घर में माखन बनता दिखता है। तो वो कृष्ण भगवान भी पूछते तो होंगे कि कहाँ जाता है, अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनता है तो इधर उधर देते सप्लाई करते, कोई छोटे बेटे तो अपने बच्चे पूछते।